अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ ये सीढ़ी लैस लगाने का तरीका शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने सीढ़ी लैस ली है। शर्ट को मैंने सेंटर से कट कर लिया जहाँ पे मैंने सीढ़ी लैस लगानी है। उसके बाद शर्ट को मैंने सीधा रखना है और सीढ़ी लैस जो है मेरे पास उसको मैंने उल्टा रखना है। और सेंटर में जो सीढ़ी आ रही है हमारी, इसके बिल्कुल जो किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई जो है ये सेंटर में जो है कढ़ाई हुई हुई है, इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस तरह जो है एंड तक हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैं जो है इसके बाद में बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अगर आप एक पैर की सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो जी आपको ओवरलॉक करवानी पड़ेगी। इस तरह ये देखेंगे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ, ये बाद में मैं ओवरलॉक करवा लूँगी। अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाना चाहती तो है वो एक पैर की सिलाई भी लगा सकती हैं कपड़े की तरफ। ये कपड़े के बिल्कुल किनारे किनारे पे जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से जो है सीढ़ी लैस, इसको जॉइंट लैस भी बोलते हैं। तो ये आप कैपरी पे, ट्राउज़र पे, शलवार पे, स्लीव्स पे, नेक पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका जो है ये सेम है, इसी तरह से हम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो जो है इसको पलटे के साथ भी लगा सकती हैं, लेकिन जो है अगर एक पैर की सिलाई भी लगा दी जाए तो जो है इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और जो है कपड़ा अंदर से नज़र नहीं आता। इस तरह जी हमने बॉर्डर को रखा सीधा, उसके बाद जो हमारा जॉइंट लेस वाला जो शर्ट का हिस्सा था उसको मैंने पलटा के उल्टा रखा है और बिल्कुल जो है सीढ़ी लेस के किनारे किनारे पे जो साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से जो कढ़ाई के साथ साथ सिलाई लगाती जाऊँगी मैं। अब इस तो इस तरह से सीधा कर लें और फिर जो है किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी मैं। इस तरह से भी जो है अच्छी तरह से वो पक्का हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी जॉइंट लेस चौड़ी है, बारीक है, कोई भी है, तो जो है इसको लगाने का तरीका वो सेम है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।